वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे और आज पानी का लेवल भी थोड़ा कम है और आज हम जा रहे हैं बैनीताल, जो कि आप लोगों को नहीं पता होगा कि बैनीताल कहाँ पे है। आपने नैनीताल, मल्लीताल और बहुत सारे ताल देखे होंगे, बट बैनीताल आपने नहीं देखा होगा और शायद किसी यूट्यूब ने डाला होगा बैनीताल। तो आज हम जा रहे हैं बैनीताल और मैं अपनी बजाज डोमिनार को लेके जा रहा हूँ और दिखाऊँगा आपको बैनीताल के रास्ते, कर्णप्रयाग से बैनीताल तक का सफ़र। तो चलिए चलते हैं बैनीताल के रास्ते पर। बारिश हो रही है और हम लोग आधे रास्ते पे आ चुके हैं और मैंने अपना कैमरा भी नहीं निकाला है एज ए कैम वीडियो के लिए, बट अब निकालूंगा। बारिश थोड़ी स्लो हो गई है और पूरा फॉग फॉग हो रखा है और यहाँ से अराउंड 15-20 किलोमीटर और है। और मेरे पीछे देखिए नीचे सिमली है जो आपको दिख रहे होंगे और पूरा फॉग और बारिश। तो यहाँ पर लैंडस्लाइड हो चुका है और इसे लगेगा 10-15 मिनट। तो आगे लैंडस्लाइड हुआ है और देखते हैं कितना टाइम लगता है लैंडस्लाइड को क्लियर करने में। चार घंटे हो गए हैं बाइक चलाते चलाते और अभी तक नहीं पहुंचे हैं बैनीताल, क्योंकि बारिश आ रही है और लैंडस्लाइड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं बैनीताल। और मेरे पीछे कार भी खड़ी है, उनको भी बैनीताल ही जाना है मेरे साथ और मैं अभी बैनीताल जा रहा हूँ। बट जैसे कि आप देख रहे हो अभी जैसी भी पूरे साथ साथ चल रही है हमारे कि कुछ साफ ही नहीं हो पा रहा और लैंडस्लाइड हुए जा रहे हैं और झीने भी पहुँचते जा रहे हैं। ये रहा बरसात के कारण ये सब चीज़ें यहाँ पे उत्तराखंड में बहुत नॉर्मल है। तो मैं दिखाता हूँ आपको हिमालय, वो सामने हिमालय है जो दिख रहा होगा आपको वहाँ पे, वो हिमालय। वाओ, बारिश के बाद कितना साफ दिख रहा हिमालय, मतलब मज़ा आ गया। Few moments later. Riding is not easy. मेरी नंबर प्लेट निकल गई पीछे वाली, अब उसे मैं लगा रहा हूँ बीच रोड पे, कोई नहीं है आसपास, बस मैं। तो नंबर प्लेट का काम चल रहा है यहाँ पे लगाने का, कोई भी नहीं आसपास, सिर्फ यहीं पे नंबर प्लेट, ये निकल गई है मेरी नंबर प्लेट। लेट्स सी कितना टाइम लगता है इसे लगाने में। वो तो मैं रुका एकदम से व्यू देखने के लिए, तभी देखा मेरी नंबर प्लेट टायर पे लग रही है। अगर मैं सही टाइम पे नहीं रुकता तो शायद नंबर प्लेट जाते हुए मेरा टायर भी ख़राब होता, बट अब मैं जल्दी से इसे ठीक करता हूँ यार, क्योंकि बीच रोड पे हूँ और मौसम थोड़ा साफ हुआ है बारिश के बाद कि मौसम ना ख़राब हो जाए इसलिए।
फाइनली लगा दिया है, इतनी देर के बाद फिर भी सही से नहीं लगा वो। ये पूरी नीचे गिर गई थी, टायर पे लग रहा था अभी भी लूज है। मेरे पास इसकी एल की नहीं है, अब मुझे घर जाके फिर से लगाना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं ये व्लॉग एंड करता हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगे ये व्लॉग ये व्यू तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कैसा लगा ये वाला व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू हर महादेव।